हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सब्सक्राइबर फैमिली को बढ़ाने के लिए। मोस्ट वेलकम जो न्यू अपकमर्स हैं। और आज चलते हैं कुछ अलग करने। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जानना चाहता हूँ, उम्मीद है आप भी जानना चाहते होंगे कि एक लाइन पे कीमैन की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसके स्ट्रगल्स क्या हैं। तो आज हम ऐसी जगह चलेंगे जहाँ से मैं उनके साथ, हालांकि उनका पूरा राउंड तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि एक उनकी प्रॉब्लम्स दिखाने की, वो क्या क्या सफ़र करते हैं लाइन पे, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आज देखने को मिलेंगी, पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं। आज संडे का दिन है और 8 बजे हैं, 8:30 बजे हम उस स्पॉट पर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं। ये हैं हमारे कीमैन साहब, इनका नाम है नंद किशोर जी। प्लीज़ सर से हेलो। हेलो। तो इनका काम है इस ट्रैक को पूरा मेंटेन करना, पूरा। ये सुबह पता नहीं कितने बजे चलते होंगे, कितने बजे चलते हो? 5 बजे। तो आज हम यहाँ पे आगे चलेंगे। देखिए पीछे का एरिया ये सारा कवर करके आए हैं। मुझे नहीं पता कितना किलोमीटर है, आगे पता चलेगा इनसे बात करते हुए। मैं इनसे 2-3 बार तो मिला हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए आगे का एरिया टोटल कवर करना है। ये देखिए कोई नामो निशान ही नहीं है, कहाँ तक जाना है। चलिए आओ। तो सुबह कितने बजे चले हो आप? हम 5 बजे चलेंगे। 5 बजे कितना एरिया कवर कर लिया आपने, कितने किलोमीटर लगभग अभी तक? लगभग 5 किलोमीटर। लगभग 5 किलोमीटर, और इनको रिटर्न भी जाना, और अभी हम आगे जा रहे हैं। कमाल है, 5 किलोमीटर एरिया इनके पास। हालांकि ज़्यादा वेट है, ये हथौड़ा है वगैरह वगैरह जो भी इनके पास सामान है। ठीक है, मेरे पास ही बैग है, पर इनके जितना सामान तो मैं जाहिर सी बात है नहीं ले जा पाऊँगा। देखते हैं आगे क्या क्या आता है। ये तो काम करना ही होता है, इनको और भी चीज़ें देखनी है। आगे से गाड़ी है, पीछे से गाड़ी है, वगैरह वगैरह। 8 आंखें हैं इनकी। चलिए चलते हैं। शायद अच्छा, कितना किलोमीटर कवर करते हो आप डेली? ये 8 किलोमीटर करते हैं अप डाउन। अप डाउन में 8 किलोमीटर डेली? हाँ, 16 किलोमीटर करते हैं। 16 किलोमीटर डबल में, मतलब 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना। ठीक है, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे कि नहीं, ट्रेन की आवाज़ आ रही है। हाँ, ट्रेन आ रही है, आगे सिग्नल है, हो रहा है तो ट्रेन आ रही है। सिग्नल है तो अरे ये लोग ही ध्यान रख पाते हैं, मैं तो इनके सारे चल रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? शायद सुन पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं तो सुन पा रहा हूँ। ओहो, हाँ आ रही है। साइड लाइन होना पड़ेगा, ये लोग तो ट्रैक के बीच में ही चलते हैं, पता नहीं क्यों। काफ़ी ध्यान रखना होता है ट्रेन का भी, ये भी, कुछ और दिक्कत हो वो भी मुझे नहीं पता। असली दिक्कत तो इन्हें ही होती है, लेकिन मैं तो बस देखना चाहता हूँ। हालांकि मैं थोड़ा बहुत तो फील कर पाया हूँ, एज यू कैन सी कवर्ड अप सो फार। वाकई ट्रेन नहीं है, हाँ है बाकी। चलिए ठीक है, ट्रेन आ रही है, साइड में हो जाते हैं। एक नई लाइन बन रही है डबलिंग के लिए, इसलिए इस पर साइड लाइन है, और ये ट्रेन आ रही है। कौन सी ट्रेन है? उत्कल एक्सप्रेस। Thank you.
फिर से ट्रैक पे। चलिए किलोमीटर 116। जैसे कि बता रहे हैं कि किलोमीटर 116, आप लोग शायद ना समझ पाए कि किलोमीटर 116 क्या है। तो हर इलेक्ट्रिक खंबे पे, जहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन हो, वहाँ पे एक मान सकते हैं कि, अरे सामने ट्रेन आ रही है। हाँ जी बताओ कि ये किलोमीटर क्या है, कि आप जो किलोमीटर बोलते रहते हैं, क्या है किलोमीटर एग्जैक्ट? एक्चुअली ये हमारे जो एक मतलब इनके बीच में डिस्टेंस होता है, और ये एक साइन होता है। हम कहीं काम करते हैं तो उसमें मतलब 100 किलोमीटर का कि ये खंबा नंबर 10 है, 11 है, और इसी तरीके से वहीं तक है। इनका कहने का मतलब ये है कि रेलवे में डिस्टेंस मेजर करने के लिए हर पोल पे एक नंबर लिखा होता है, एक तरह से हर किलोमीटर पे। हर किलोमीटर के अंदर जितने पोल होंगे उतने उनके, जैसे 116 किलोमीटर है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 116 by 1, 116 by 2 इस तरह के होते हैं। तो इससे एक किलोमीटर मेज़र कर पाते हैं। साथ ही साथ ये भी चेक कर लेते हैं कि 130134 गाज़ियाबाद पैसेंजर, हाँ तो जैसे कि देख पा रहे हैं 116 by 9, इससे नेक्स्ट पोल कौन सा होगा? 116 से नेक्स्ट पोल कौन सा होगा? 118 116 by 8, ठीक है। तो 116 by 8 नेक्स्ट पोल होगा। तो ये एक तरह से इनका साइड में जा रहे हैं ना वापस। अच्छा दिल्ली साइड में, तो जैसे दिल्ली साइड में जाते जाएंगे ऐसे किलोमीटर घटते जाएंगे और सहारनपुर साइड में बढ़ते जाएंगे। अभी हम गाज़ियाबाद से सहारनपुर सेक्शन पे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इन पोल्स की वजह से इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लग जाता है। जैसे कि मान लिया कहीं किसी सेक्शन में दिक्कत हो जाती है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ट्रैक पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से पता लग पाते हैं कि हम 116 by 8 और 116 by 9 किलोमीटर के अंडर में हैं। तो वो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है, वहाँ जाके इनकी जो भी गैंग होगी या पूरे इनके क्रू मेंबर्स होंगे वो पता नहीं है, वहाँ जाके वो इनको एग्जैक्ट बता पाते हैं। ये 116 by 8 है और नेक्स्ट था 116 by 9, ठीक है। तो इस तरह से मेजर कर पाते हैं डिस्टेंस को और एक एग्जैक्ट लोकेशन को। चलिए हाँ जी, और कितना रह गया? बस थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही है, थक गया। कम रह गया 1 किलोमीटर, ठीक। हम जाएंगे किलोमीटर 115 के 13 तक, किलोमीटर 115 के 13 तक, जहाँ तक आपका एरिया एंड है। एंड और कौन से किलोमीटर से स्टार्ट होता है? ये होता है किलोमीटर 123 के 13 से। 123 का 13, ठीक है। 123 का 13 मतलब 8 किलोमीटर, एक साइड से 8 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, दूसरी साइड से भी इनको वही पूरा एरिया देख के जाना होता है। मतलब डेली का इनका 16 किलोमीटर का रहना है। जाहिर सी बात है आप और मैम नहीं कवर कर सकते सिवाय इनके। देखते हैं भाई, हम तो थक गए। और प्रॉब्लम एक और है, स्वेटिंग वैसे भी हो रही है, पानी हमारे पास नहीं है, ना ही इनके पास है, छांव आसपास नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से लाइन के आसपास कोई पेड़ भी नहीं होता, ताकि कुछ कहीं जैसे कभी आंधी वगैरह आ जाती है, बारिश हो जाती है, तो लाइन के आसपास पेड़ नहीं रखते, कभी वो OHE पे ना गिर के फिर डैमेज कर सकते हैं बिल्कुल। तो इनकी एक दिक्कत ये भी है कि आसपास कोई पेड़ नहीं है, तो ये छांव में नहीं बैठ सकते, धूप में ही रहना पड़ेगा, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो। पानी की भी दिक्कत इतनी है, तो समझ पा रहे हैं। और आपको दिखा दूं कि लाइन पे
ट्रेनें जाती हैं आती हैं, गंदगी कितनी है, ये किस गंदगी में चल पा रहे हैं ये देखो। और सबसे बड़ी बात, इनको एक एक पेट्रोल क्लिप का ध्यान रखना होता है, कब कौन सा कहाँ निकला रहेगा। देखो मैं तो गिन नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है आप भी ना गिन पाए। और ये एक एक स्लीपर पे पैर रख के चल रहे हैं और देखते चल रहे हैं कि आगे कौन सा क्लिप निकला हुआ है, कोई दिक्कत हो सेक्शन में वो भी देख रहे हैं, आने जाने वाली ट्रेन भी देख रहे हैं, आगे से भी पीछे से भी, सिंगल लाइन सेक्शन है, OHE वायर्स भी हैं, कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। तो अब शायद आप कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे कि दिक्कतें क्या क्या हैं इक्विपमेंट की। और सबसे बड़ी बात, उससे भी ऊपर अगर ये कुछ अपने ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं, जैसे कि ये अच्छी तरह बता पाएंगे वो आप इन्हें से सुनिए। हाँ जी, अगर आप कुछ कंप्लेंट करते हैं क्या वो सुनी जाती है? सुनी भी जाती है और अक्सर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? भाई हमारी ड्यूटी है, हम तो अपने PWI को SSC को इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर आगे उनका काम है वो सही करे ना करे, कब करते हैं वो उनकी दिक्कत है। मतलब ये इनको एक तरह से जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, एक अलग दिन एक नया चैलेंज, पता नहीं कब क्या मिल जाए। और गंदगी तो है ही ट्रैक पे, कभी कोई डेड बॉडी मिल जाती है, और क्या क्या मिलता है, जीव जंतु का नाम कर जाते हैं, मर जाते हैं, सांप मिल जाते हैं, कभी सांप भी बाहर डालना पड़ता है गंदगी सब। मतलब ये डेड बॉडी को उठा के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इसी डेड बॉडी को बाहर भी डालते हैं जब तक पुलिस नहीं आती, उन्हें बताते भी हैं, ये दिक्कत है इनको। टाइम टाइम पे फ़ोन भी ठीक है। ये इनका एरिया आ चुका है, एरिया का एंड, जिसे ये लोग मिलान कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का इनका एरिया ये देखेंगे और यहाँ से अगले कोई और देखेंगे। शायद आप देख पा रहे हो आगे वाले कीमेन, नहीं देख पा रहे, चलिए चलते हैं आगे। वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, नहीं करूँ ठीक है। वो रहे आगे दूसरे एरिया के कीमेन, इनका एरिया एंड होता है यहाँ पे और उनका भी यहीं पे एंड होता है, सेम वो अपने उधर पूरे एरिया को दोबारा से देखते हैं और ये अपने रास्ते वापस देखते चले जाते हैं। काफी लॉन्ग हम लोग कितने बजे चले थे? नहीं, हम कितने बजे चले थे आप और मैं? हम लगभग 8:30 बजे। 8:30 और अब क्या टाइम हो रहा? ठीक है। और ये तो एरिया कुछ भी नहीं है, इनकी ड्यूटी कमाल है, सैल्यूट है इन लोगों को, अगर ये मेंटेन ना करके रखे तो क्या होगा, बेकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीमैन साहब आ गए हैं, वे दूसरे कीमैन हैं। 11 बजे तक इनका लंच होता है, फिर आपके वापस अपने अपने रास्ते। तो
अब हम वापस हो चुके हैं, देखते हैं जहाँ तक हो पाता है, जहाँ पे हम मिले थे वहीं पे जाएंगे, फिर ये आगे चले जाएंगे, हम अपने रास्ते अपने रास्ते। हाँ तो ये बताइए कि आपका एरिया क्या क्या है उस एरिया में, पूरा जो 16 किलोमीटर का एरिया, ताकि बहुत ही ज़्यादा है हमारे अकॉर्डिंग। क्या क्या देखते हो आप इसमें टोटल? अब उसमें देखते हैं कोई पैंडोल क्लिप निकला हुआ तो नहीं है, कहीं कोई पैंडोल चोरी तो नहीं हो गए, या जैसे जोड़े पे कोई प्लेट बनी, कोई प्लेट फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है, और ग्लूड होते हैं, हम दिखाएंगे आपको आगे। ये आ गया है ग्लूड यहाँ पे, जैसे देखते हैं। एक मिनट, चलिए देखते हैं ग्लूड क्या है। ये ग्लूड है, इसे ग्लूड जॉइंट अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो सिग्नल जाने की संभावना होती है, सिग्नल चले जाते हैं, तो इसका भी इसे ध्यान रखना पड़ता है, कई बार किसी को ध्यान रखना पड़ता है, सिग्नल फेल हो जाएंगे अगर ये टूट जाता है या इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो। मतलब ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कीमेंस के लिए सबसे एक तरह से ज़रूरी होता है इस गर्मी में, अभी जैसे कि मार्च है, मार्च में भी जाहिर सी बात है गर्मी हो ही जाती है, और ये ट्रैक पे चलते रहते हैं इतना भारी वजन लेके, और मेहनत तो है ही इसमें, कोई इसमें इग्नोर करने वाली बात है ही नहीं। तो इनमें सबसे ज़रूरी होता है इनके लिए एक तो छांव, ये बीच में बैठ के खाना खा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है जगह जगह पे तो खाना नहीं खा सकते। छांव वो पेड़ ख़त्म कर दिए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। अब ज़रूरी होता है पानी, पानी इनको यहाँ मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो भी खेतों में से जो चलता रहता है पानी, वो भी जाहिर सी बात है रोज़ तो चलता नहीं है पानी। तो ये देखिए ये पानी ये पीते हैं, ये पानी है, इस पानी के ऊपर ये कभी कभी अपने हाथ पैर धो लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये है, ये पानी गंदा भी हो सकता है, इसमें कुछ कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कीमेन है, प्यास लगते तो उन्हें पीना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें हैं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप भी समझे इस बात को, काफ़ी स्ट्रगल होता है इनका। तो ये है इनका डेली का टाइम टेबल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट कीजिए।